सच्चे अर्थों में कांग्रेस का चरित्र ही दोमुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये सेम पित्रोदा का कांग्रेस का वापसी का दरवाजा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस हमेशा चुनाव के समय एक अलग रोल में रहती है और चुनाव के बाद असली चरित्र लाती है। सेम पित्रोदा के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले स्थानीय रहवासियों को, खास करके आदिवासी अंचल के लोगों को अपमान का घूट पीना पड़ा था और कितना शर्मनाक स्थिति का बयान उनका था। और कांग्रेस ने कहा था हमारा कोई लेना देना नहीं, और कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। और जैसे ही चुनाव निकल गए, कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई, वापस पार्टी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी कहा था कि कांग्रेस आज निकाल रही है, कांग्रेस का दरवाज़ा वापस खुलेगा और सेम पित्रोदा उनका कांग्रेस की धरोहर बन के निकलेगा। और वो सबके सामने उदाहरण बना है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पूरे देश के सामने कांग्रेस के कर्णधारों को माफ़ी मांगना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, और सेम पित्रोदा को फिर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय मान बिंदुओं पे, जिस पे अपने देश की संस्कृति का हमेशा गर्व और गौरव का अनुभव आता है, तमिल संस्कृति के माध्यम से हमारे अपने ऐसे सभा स्थल जहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति होती है और लोकतंत्र का सम्मान होता है, उस स्थान पर सिंगोल रख करके और पवित्र बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ था। लेकिन कुछ असमझ लोग, जिनको इस बात की समझ नहीं है कि वो है क्या, ये हमेशा भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए परमात्मा से कामना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि आए।